ग्रामीणों ने मरणासन्न स्थिति में पहुंचाया अस्पताल। तारांकन सरवई ग्राम पंचायत सरवई निवासी रामकिशन लखेर उम्र 80 साल आज लावारिस स्थिति में रहने को मजबूर है। सरवई व किशनपुर में कई रिश्तेदार व परिवार होते हुए भी इस उम्र में किसी लावारिस जानवर की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस शख्स की कोई रिश्तेदार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है और न ही किशनपुर में निवासरत उसके खुद के परिवार वाले। ग्रामीणों की माने तो इस वृद्ध के पास जो भी जमीन थी वह गरोठा निवासी पुखन लखेर ने अपने नाम करवा ली है और जो वर्तमान में उसका प्लॉट है सूत्रों के अनुसार उसकी भी वसीयत तैयार कर उसे असहाय स्थिति में छोड़ अपना पल्ला झाड़ कर अलग हो चुका है। अब इस उम्र में उसे आखिर कौन पालित करे। आपको बताते चलें कि पड़ोसियों एवं ग्रामीणों की मदद से उसे कबाड़ बनी कोठरी से निकालकर सरबई पुलिस के सामने एम्बुलेंस द्वारा चला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, किंतु अस्पताल प्रशासन द्वारा भी उसे अपने यहां से जल्द टालने का दबाव बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से संवेदना के खिलाफ है। इस असहाय वृद्ध के लिए मदद में हाथ उठाने वाले व्यक्ति हैं राम राजा घोष घोष, विजय वर्मा, रमाकांत मिश्रा रिपोर्टर, मनीष तिवारी चंदला रिपोर्टर। इन लोगों ने मदद करते हुए इस वृद्ध को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया एवं खाने पीने की व्यवस्था की व इलाज के लिए अस्पताल को प्रेरित किया। सभी लोगों से अपील है कि कृपया इस असहाय एवं उपेक्षित वृद्ध की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाकर उसे जीवनदान देने में सहयोग करें जो अभी भी चंदला स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट है। IN7 News, रिपोर्टर छाटरपुर, विनोद मिश्रा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विजय वर्मा। आप रामकिशन लखेर के पड़ोसी हैं? जी जी हाँ। आप उसके विषय में क्या बताएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगातार बेचारा वो वृद्ध था, उसके यहाँ पे परिजन भी लोग रह रहे हैं, रिश्तेदार लोग भी रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो मोहल्ला के लोग थे उसका पालन पोषण जो खाना पीना रामकिशन लखेर को, जब वो मरण स्थिति में आ गया तो मैं उनके परिजन और रिश्तेदारों के पास जब पहुंचा तो उनने पल्ला झाड़ते कह दिया मुझको कोई मतलब नहीं है, और यहाँ तक है उसकी जमीन पर भी इन लोगों ने पहले से बसी ये नामा लगवा दिया है, ये हमें पता चला है। दूसरी बात है उसकी, मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, उस वृद्ध ने अपनी लाख लकड़ियां कटवा के रख दी थी कि वो एक नीम लगा था, तो उनकी इन परिजनों को लकड़ियां तक उसकी देख खाएं और उसको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि आज कोई नहीं है। वो तो हमारे साथ रमाकांत जी मिश्रा और राम राजा सामर सेवी ये लोग और कृष्णा साहू जी ये लोग हमारे साथ रहे, इन्होंने सहयोग दिया, एम्बुलेंस मंगाई, तो नंबर पुलिस को बुलाया, तब उसको हॉस्पिटल भेजाया। मैं ये कहूंगा, मैं सब लोगों से गंगोत्री की मदद करें और सेवा के लिए आता और ऐसे संदेशा पहुंचे कि ऐसे जो इनके परिजन है अत्याचारी वृद्धों पे अत्याचार कर रहे हैं इनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो और इनको दंड मिले। और जो उनका प्रधानमंत्री आवास पास है उसके विषय में आपको जानकारी है? मुझको पता था लेकिन उसका कोई बनवाने के लिए तैयार नहीं था, वृद्ध था है और हो जाता, लेकिन आज तक उसका बना भी नहीं है उसके लिए, लेकिन जितनी बनी हम लोगों ने उसकी मदद की और उसको खाना पीना पड़ोसी के द्वारा या कोई है इलाज या है कुछ भी करते रहे, लेकिन ऐसा कोई अभी ऐसा फोन नहीं मिला उसको। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्यावनी खुर्द में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली से दीवार के विवाद को लेकर गांव के ही दवंद लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसके बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम स्यावनी खुर्द में रविवार की सुबह दीवार के मामूली विवाद को लेकर गांव के ही दवंदों द्वारा हरिजन समाज के लोगों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। उक्त घटना में लगभग एक दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें छंदलाल गिरधारी अंग गुरी देवी उषा मीरा वंदना संतोष विशाल गंगाराम खेमचंद्र सहित अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को मिलते ही पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया तथा सभी घायलों को उपचार के लिए मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा तथा पुलिस जांच कर कार्यवाही में जुटी। मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ट्रक चालकों की जेब से निकाले पैसे, आरोप है कि खाकी की वर्दी पहने थे चोर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। झांसी जिले की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ढावे पर खड़े दो ट्रकों के चालकों की जेब से रात्रि में अंधेरे के दौरान कुछ अज्ञात चोरों द्वारा पैसे निकाल लेने का मामला प्रकाश में आया है। ट्रक चालक
का आरोप है कि चोर खाकी वर्दी पहने हुए थे, जिनका पीछा भी किया गया, लेकिन वो घटना को अंजाम देकर भागने में सफल हो गए। घटना की सूचना पीड़ित ट्रक चालकों द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को देकर कार्यवाही करने की मांग की। वीओ जानकारी के अनुसार थाना मुहम्मदाबाद ग्राम सिकंदरपुर निवासी बादाम सिंह पुत्र वीरभान एवं जालौन निवासी मुन्नालाल पुत्र धनीराम राठौर ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 27 अक्टूबर की रात्रि वह अपने ट्रक को मऊरानीपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर बने एक ढावे पर खड़ा करके सो रहे थे। तभी 28 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे 3 लोग आए जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उक्त लोगों द्वारा ट्रक चालकों की जेब से 35,000 व 6,000 रुपए निकाल लिए तथा उक्त घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ट्रक चालकों द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त लोग भागने में सफल हो गए। घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी को देते हुए अज्ञात पुलिस की वर्दी पहने चोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखा है आपने कौन है वो? मैंने देखा है लेकिन पहचान नहीं सकते, हमने पिटी देखा है उसके, तो हम दौड़े भी है, हमने पकड़ो बदला। कौन थे वो? ऐसे लगा जैसे कोई ड्रेस पहना है, तो पुलिस क्या थी? पुलिस की ड्रेस पहना था। हाँ, और एक साथ आता कैसे थे? पीछे कर पैदल आते, मतलब पैदल थे। हाँ, उनका टच मोबाइल जल रहा था जेब में, मेरी जेब नहीं होती थी, पेंट होते हैं, टच मोबाइल जल रहा था उनका। क्या नाम आपका? क्या करते हो आप? ट्रक चलाते हैं आप? क्या घटना हुई आपके साथ में? कितने बजे? 3 बजे। किसने निकाल लिए? ये तो जानकारी कैमरा में तो पुलिस वाले बता रहे हैं, दिखाई दे रही है। आपने देखा है कैमरे में? आपको पता नहीं है कि किसने किया? कैमरे में दिखा रहा है, कैमरे में पुलिस वाला है। दो लोग थे? कितने रुपए निकाले आपके? खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। सच जो कभी छुपाना, सच जो कभी छुपाना, सबसे सच्चाई तक हमें आपके साथ। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे। कस्बे फिर शहर और सूबे की बात हम करते हैं सीधे आपके साथ। सच जो कभी छुपा नहीं, सच जो कभी रुका नहीं, सच से सच्चाई तक हम हैं आईएनसी।